हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुप्रिया महाजन एंड मैं एक पेडियाट्रिशियन हूँ विद 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम टुडे गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट टीथर्स, कैसे आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट टीथर्स चूज करें एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज जो आपको देखने चाहिए जब आप अपने बेबी के लिए टीथर्स चूज करने जाए। तो सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हेयर मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियोज देन प्लीज़ लाइक मी एंड फॉलो मी। सो लेट्स स्टार्ट। तो टीथर्स जो है वो जो गम सूदिंग के काम आते हैं, जब भी बच्चों को टीथ निकालना शुरू करते हैं 3 से 5 या 6 महीने पे, देन हमें अपने बेबी को टीथर देना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरियाज है जो आपको देखने चाहिए जब आप बेबी के लिए टीथर चूज कर रहे हैं, वो है सबसे पहले तो सेफ्टी। वॉट एवर आप चूज कर रहे हैं अपने बेबी के लिए, वो सेफ होना चाहिए, BPA फ्री होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, या आर्टिफिशियल भी है तो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। द सेकेंड इज ड्यूरेबिलिटी, उसमें कोई भी छोटे छोटे पार्ट्स नहीं होने चाहिए। समथिंग लाइक ये वाला टीथर जो है, इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स है, अगर ये पार्ट निकल के बाहर आएगा तो ये बेबी के मुंह में जाके चुकिंग का रस कर सकता है। तो मेक श्योर आप ये वाले टीथर्स को अवॉइड करें, या अगर आप यूज कर रहे हैं तो मॉनिटर करें। या फिर ऐसे भी टीथर्स होते हैं जो फ्रूट जेल फिल्ड होते हैं या वाटर फिल्ड होते हैं, तो अगर वो बेबी बाइट करेगा, उसके पास ऑलरेडी टीथ है, तो वो जेल जो है मुंह में जा सकता है एंड दैट इज हार्मफुल फॉर योर बेबी। तो वो वाले टीथर्स भी अगर आप यूज करते हैं तो उसको क्लोजली मॉनिटर करना है दैट वो जेल जो है बेबी के मुँह में ना लीक करें। द थर्ड थिंग इज कि आपको टीथिंग रिंग्स जो कि, या फिर नेकलेसेस जो गले में बनते हैं, या बिब्स जो है जो बहुत टाइट हो एंड जो सफोकेशन का रिस्क हो सकता है बच्चे को, वो वाले टीथर्स भी आपको अवॉइड करने चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट टीथर शुड बी वेरी लाइट वेट एंड ईजी टू ग्रिप, तो बच्चा उसको ईजिली पकड़ सकता है एंड उसको मल्टीपल जगह से मुँह में डाल सकता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको टीथर चूज करने से पहले देखनी चाहिए। सबसे पुराने एंड कॉमन टाइप का टीथर है वो प्लास्टिक का टीथर है। इफ़ आप प्लास्टिक का टीथर यूज़ करो देन मेक श्योर इट इज़ अ गुड क्वालिटी प्लास्टिक, BPA फ्री, एंड इसको फ्रीज मत करिए बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत हार्ड होता है। तो आप इसको फ्रीज करोगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा एंड गम्स को इंजर कर सकता है। द सेकेंड टाइप इज दिस सिलिकॉन। सिलिकॉन के टीथर बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं, हैंड टीथर्स होते हैं, देन टीथ के रैटल्स होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल टीथर्स भी होते हैं, बहुत सारे शेप्स टेक्सचर्स साइजेस में आते हैं। दीज आर गुड क्वालिटी, आप BPA फ्री ले सकते हैं, इनको फ्रीज मतलब फ्रिज में रख सकते हैं एंड बिना फ्रिज के भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मॉनिटर कि आपका बच्चा जो भी यूज़ कर रहा है वो क्लीन है एंड उसमें कोई ब्रेकेज नहीं है। एज सून एज आपको कोई भी पार्ट ब्रेकेज वाला दिखता है, आप उस टीथर को डिस्कार्ड कर दीजिए। The third thing is this is a fruit teether, fruit nibbler भी कहते हैं इसको, एंड इसमें भी एक पॉप्सिकल्स आते हैं जैसे आप ब्रेस्ट मिल्क का पॉप्सिकल बना के बच्चे को दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सिलिकॉन की मेश है, इसके अंदर आप फ्रूट भर सकते हैं पीसेस में, कोई भी फ्रूट भर सकते हैं ऑफ योर चॉइस जिसमें थोड़ा बहुत भी जूस है, एंड देन यू क्लोज इट एंड ये बच्चा मुंह में साफ करेगा तो ही कैन गेट अ बिट ऑफ फ्लेवर ऑल्सो एंड दिस इज अ गुड क्वालिटी। बट वेन एवर आप ये वाला टीथर यूज करें उसके बाद में यू हैव टू रिमूव दिस एंड इसको अच्छे से वॉश करना है बिकॉज अगर इसमें फ्रूट रह जाएगा देन फंगस का रिस्क रहेगा एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द बेबी अगर बच्चा गंदी क्वालिटी का जो भी निपलर है वो मुंह में डाले तो। सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से क्लीन करें आफ्टर एवरी यूज एंड मेक श्योर अगर आप ऐसा कुछ ले रहे हैं देन दैट शुड बी परफेक्टली प्रोटेक्टेड बिकॉज इसमें छोटे छोटे से बीड्स हैं तो ये बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दिस इज अ रबर टीथर, दिस इज कॉल्ड सोफी, वर्ल्ड में बहुत कॉमनली यूज होता है एंड इट्स अ गुड क्वालिटी टीथर बिकॉज नेचुरल रबर का मेड है, वेरी लाइट वेट है एंड इट इज स्वीकी। तो आप कुछ इस तरीके का भी यूज कर सकते हो ऑल्दो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ फिंगर ब्रश, इसको आप फिंगर में पहन के मेक श्योर आपका हाथ अच्छे से क्लीन हो एंड इसके ब्रिसल्स क्लीन हो, आप बेबी के गम्स को मसाज कर सकते हो। इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है बिकॉज आप इसको पर्सनली अपने तरीके से यूज करके मसाज कर सकते हो। आफ्टर एवरी यूज आपको ये क्लीन करना चाहिए बिकॉज इसमें बेबी का सलाइवा मिक्स होगा।
देन आप ये कुछ जो वॉश वॉश क्लोथ्स है इनको भी क्लीन करके यूज़ कर सकते हो फ्रिज में रख के. इसका भी इफेक्ट जो सूदिंग का है वो अच्छा है. एंड इनफैक्ट दीज टीथिंग स्पून्स कैन ऑल्सो भी यूज. दिस इज ऑल्सो सिलिकॉन. इसमें आप कुछ भी खाना थोड़ा बहुत लगा के खिचड़ी और दही एनीथिंग ये भी आप बच्ची को टीथिंग के लिए दे सकते हो. एंड सम ऑफ दी अदर थिंग्स आर जो टीथिंग के लिए नेचुरल स्टिक्स आती है या तो वुडन टीथर्स आते हैं दैट इज ऑल्सो गुड बिकॉज नेचुरल है एंड वुड जो है वो सेफ भी रहेगा. एंड कुछ टीथिंग की स्टिक्स आती है लाइक अजवाइन स्टिक्स. मैंने वो पर्सनली यूज नहीं किया है बट दे आर ऑल्सो गुड. अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल दीज थिंग्स एक जो बहुत अच्छा एंड इफेक्टिव तरीका है वो ये है कि आप अपने बेबी को क्यूकम्बर दे सकते हो, थोड़ा सा ठंडा, या कैरेट दे सकते हो, मूली दे सकते हो, वॉट एवर इज द सीजन. एंड वो भी बच्चा जब बाइट करता है तो इट इज़ ईजी टू होल्ड, इट इज़ लाइट वेट एंड इट इज़ नेचुरल. तो आप उसको पील करके क्लीन करके दे सकते हो एंड दैट इज गोइंग टू ऑल्सो हेल्प योर बेबी सूद हिज गम्स. सो दिस वीडियो इज रिगार्डिंग टीथर्स. आप वॉट एवर आप क्वालिटी का जो भी टीथर यूज करते हो उसको अच्छे से क्लीन करना है एंड मॉनिटर करना है. एंड रात को सोते समय बच्चे को टीथर मत दीजिए बिकॉज एज आई टोल्ड यू कोई भी पार्ट निकल के बाहर आएगा तो गले में जाने का रिस्क रहेगा. तो आप जस्ट टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स ऑफ द सेफ्टी मोस्ट कॉमनली. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वॉट एवर यू आर यूजिंग आपको उसको क्लीन करना है कॉमनली आफ्टर 2-3 यूजेस और आफ्टर एवरी यूज डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा टीथर यूज कर रहे हो. आई होप आप इस वीडियो को हेल्पफुल पाएंगे वेन एवर यू वॉन्ट टू चूज अ टीथर फॉर योर बेबी. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय फ्रेंड्स.